المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله أجمعين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وسرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Brothers and my dear Mohsin or patrons, Mr. Janab Kharuzala Sahib or Janab Shalam Sahib, these are my two brothers and they are my actually patrons in each and every walk of life and many activities which we do here in Bengal, and they include me as a small business worker. So I would like to share a few things with you about the business and industry, because today's topic is Muslim Chamber of Commerce and Industry, which has been established in 2014. And alhamdulillah, afterwards we tried in India and several states and big cities. And after that, we also tried to become a member of International Chamber of Commerce, which is the part of United Nations. So that office is in Paris. So we are very much member of the United Nations Business World Council. Secondly, we also tried in more than 40 countries to have our network. And succeeded. Our members are getting benefit from various countries and from our network. So our style of working is entirely different from the other channels, because you know the Muslim community is very lack of business industry and their foresightedness and the capacity of starting a business industry is very difficult in our society. So हाँ, फिर आपने कहा था बोलने के लिए, तो ठीक है, मुझे हुक्म दिया गया है कि आई शुड स्पीक इन उर्दू, तो मैं कहकर समझता हूँ कि हमारे शाना भाई और बबू सवा भाई के हुक्म के मुताबिक उर्दू में बात करो और सबसे बेहतरीन लैंग्वेज वही है समझने की. जनाब अली अर्ज करना है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी और उम्मत है वो बिजनेस इंडस्ट्री में इंतहाई कमजोर है और बैकवर्ड है, और बहुत मैनियम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट नजरिया आइडियोलॉजी रखते हैं कि बिजनेस करके भी जो है अपनी इकोनॉमी को कम्युनिटी की और कंट्री की जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जिस तरह से एजुकेशन में हमारा जो मामला है उसी तरह से बिजनेस इंडस्ट्री में भी हमारा मामला है. चलिए अफसोस की बात, लैकिंग दुनिया को देखने से, दुनिया से सीखने से और दुनिया के साथ काम करने से आपके सोचने के अंदाज, काम करने के अंदाज, आपके रिजल्ट और आपके नतायज और नतीजा खेजी और सहारावनी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है और फिर आपके देखने का लुक भी चेंज होता है. जब तक कि कॉन्सेप्ट आप चेंज नहीं करेंगे लाइफ का और जहन आपका चेंज करके स्टेट ऑफ माइंड अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपको दुनिया नहीं समझ में आएगी. जिस तरह से आप जानते हैं कि जो बिजनेस इंडस्ट्री की लाइन है वो एक वाइड इंडस्ट्री की तरह है. पहले बहुत ही खतरनाक बीती हो, अगर आप देखें तो वो ये तो पैसे में डूब जाएंगे, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा. तो ये जो वाइड लाइन जो एक वाइड इंडस्ट्री को टेक करते हैं आप जहरी जानवर को, उसको जब आप तरजीह देते हैं तो फिर आपका फ्रेंड होता है, आप उसके साथ आसानी से रह सकते हैं. तो इतना में हर चीज ऐसी नजर आती है, लेकिन बाद में फिर आपको उसके बेनिफिट बरकते न्यामते हैं और फिर आप उसके बाद महसूस करते हैं कि इसके अंदर कितने लोगों का हिस्सा आपके अंदर जो पैदा हुआ, कितने घर आपके जरिए चल रहे हैं और प्रॉफिट कमाना तो एक बहुत बड़ा उसके लिए हुनर सीखना पड़ता है. सीखने से हर चीज आपके सीखने से ही पायलट आपको ये होता है, सीखने से सब कुछ होता है. सीखेंगे नहीं और आप बैठ के पैसेंजर रह के आप पायलट की बातें करेंगे तो लोग बोलेंगे बेवकूफ नंबर एक है, आप कहां की फ्लाइट को उड़ाए जो हमको उड़ाने जा रहे हैं. तो उसमें होता है ये क्रैश हो जाता है. तो हर चीज जो है हमारे यंगस्टर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेस बैठे हैं, ये क्लास की है और हाई क्लास की है, तो
मैं तो छोटा स्टूडेंट हूँ बिजनेस लाइन में मैनेजमेंट का, और मैं 40 साल थी एक्सपेक्ट रहा हूँ, तो 1985 से इसी में मेरी जिंदगी गुजरी है। और ये खुशकिस्मती बोलिए या बदकिस्मती बोलिए, मेरे एजुकेशन की तकमील के बाद हमने एक भी नौकरी नहीं की, और हमने यही नौजवानों की शिकायत की घर से पैसा लो ना बैंक से पैसा लो ना दोस्त से पैसा लो, अपने दिमाग से बिजनेस स्टार्ट करो, इंशाल्लाह बिजनेस होता है, कामयाब होता है, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। ये असल में शिकायत से बिजनेस स्टार्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पैदा करना चाहिए। पैसा नहीं है तो काम किस तरह किया जाए, पैसा है तो काम किस तरह किया जाए, ये दोनों अलग। देखिए आपके कई उसके मॉडल्स है काम करने, एक तो आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, एक तो बैंकों से लोन लेके काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसको इस्तेमाल करके करते हैं। ये सब बातों के अंदर ये है कि यू हैव टू आंसर टू द अदर पर्सन दैट व्हाटएवर द मनी एंड इन्वेस्टमेंट यू ब्रॉट, तो वही मॉडल है जो सक्सेस हो सकता है। लेकिन सबसे बेसिक जो तो बिजनेस के लिए चीज है वो ये है कि आप दूसरों के मुकाबले में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट और हार्ड, दोनों भी काम करना। 18 घंटे अगर आप काम करेंगे तो वो लाइन के अंदर आप मास्टर बन जाएंगे, जब लाइन में मास्टर बनेंगे तो फिर मार्केट आपके पास आएगी, मार्केट आपके पास, मार्केट किसी की जाके नहीं है, मार्केट किसी का रहने भी नहीं करती है। अगर आप गलती करेंगे, आप इसे लो क्वालिटी का हाई रेट पे माल लेंगे, लेट करेंगे, डिलीवरी लेट करेंगे, तो मार्केट आपको उसे के निकल जाते हैं, नोट केस किसके बेटे हैं, किसकी औलाद है, किसके बच्चे हैं, नोट केस। लेकिन जरूरी बात ये कि ऐसे क्योंकि इंग्लिश कंट्री माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब कर रहा हूँ कि ऐसे बिजनेस को अडॉप्ट करें जो सस्टेन हो सके। जो चीज आप सस्टेन नहीं हो सकती वो बिजनेस को लेकर करने जाएंगे तो आज में जो कल सर 2 साल के बाद आता है जो बिल्कुल एक लॉस के ट्रैक पे जाते जाएंगे, और एक ह्यूज लॉस आपका अकाउंटेट हो जाएगा, उसके बाद आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि जो है कोई अगर आप अपने हाथ से अगर ड्राइवर के हाथ से अगर ब्रेक छूट जाए तो ट्रैफिक में चलाना है, तो जो भयानक एक्सीडेंट और जो होता है जिंदगी का वही बिजनेस का होता है। तो जो साइंटिफिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है उसको अडॉप्ट करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल मेंटल थॉट्स का अलाइनमेंट इसके अंदर बहुत जरूरी होता है। अब अभी मैं हमारे नौजवान यहाँ बैठे सरदार जी बेटी का मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो जो प्राइस के फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट में प्राइस कैलकुलेशन के, वो फैक्टर्स को 99% हमारा बिजनेस में उसको अडॉप्ट नहीं करता, और फैक्टर्स इसकी है कि अगर वो अडॉप्ट करेंगे आप साइंटिफिक फैक्टर्स तो आप 80% लॉस से बच जाते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं करते। फिर हमारे पास जो बिजनेस में जो छोटे और स्टार्टिंग लेवल के जो लोग भी हैं या इंशाल्लाह बड़े लोग करना चाह रहे हैं, तो उनके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम जो मैनेज करते हैं, जैसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है और फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है और इसी तरह से फाइनेंशियल, तो उनके पास कोई रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हर आप हमारी कम्युनिटी के अभी से पूछेंगे आपको मंथली या एनुअल 20% की आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे रिजर्व कितना रखा है, रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो क्या होता है रिजर्व, बगैर रिजर्व के आप दूसरे बिजनेस किस तरह करना चाहिए, कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। जो ग्राफ होता है साल भर के बिजनेस का 12 महीने का, आप उसको आगे देखिए ग्राफ में तो 8 महीने बोल जाता है, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा आमदनी नहीं होती। बिजनेस ऐसी चीज है कभी बहुत आमदनी हो जाती है, कभी लाभ और लाइन पे जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये सब कंट्रोल करने के लिए आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स और कैपेसिटी है उसको डेवलप करना होता है। कोई दुश्मनी से आपका नहीं मामला होता है, मामला खुद आपके गलत डिसीजन की वजह से आप नुकसान उठा रहे हैं, और आपका जो बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट पर माल लेने, डेबिट पर लेने या क्रेडिट के ऊपर माल रिलीज करने का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ रिसीट के ऊपर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप लाख लाके जो है आप सोना लेते दुनिया का जो है सोने में भी लोग डूब जाते हैं, डूब जाते हैं इसलिए कि देखो तो उसके बाद इसका क्या आंसर होगा। तो इंडस्ट्री के अंदर आइए, बिजनेस में आइए, जेडी में आइए, एक्सपोर्ट में आइए। अभी कोई हमारे साथी मुझसे बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के प्लान इतनी बढ़ गई है, इतनी माइक्रो फाइनेंस से लेके कॉर्पोरेट लेवल तक एक क्वेश्चन है। हर एक आइटम को बिजनेस इंडस्ट्री के लिए
तो मेरा हर कम्युनिटी हर कॉम हर नेशन की जो बैकबोन होती है बिजनेस इंडस्ट्री है सारी इकोनॉमी किसी भी कंट्री किसी भी फॉर्म की जो सीधे चलती है आप अपने अपनी बिजनेस इंडस्ट्री को सेटलाइट करके आप समझिए कि आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम बड़ी हद तक सॉल्व हो जाए और एक प्रिंसिपल सोसाइटी फॉर्म करने में आपको सक्सेस मिलती है और आपका घर या फिर आपकी आने वाली जो जनरेशन के लिए आप ट्रांसफर करते हैं तो खैर ही खैर होगा आज के एक शख्स यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे टीचर है वो स्कूल के अंदर आठ आठ घंटे पढ़ाते हैं घर को आ जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से माशाल्लाह दे सकते हैं लेकिन उनके पास इतना रिजर्व जॉब से नहीं हो सकता कि वो अपनी नई जनरेशन को कुछ चीज लगा के दे सके दुकान लगा के दे फैक्ट्री इसीलिए बेहतर ये है कुछ ना लगे खुद उनको बोलिए नौजवान बच्चों को बच्चियों को कि भाई आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए छोटा सा हम कोई पैसा वैसे नहीं देंगे अगर आप बाइक मनी लेने चाह रहे हैं तो 1 रुपीज 1 रुपीज 50 पैसे में रुपया मिलता है उस पे इतने टैक्सेस होते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां एक्सपेंडिचर टैक्स भी है इनकम टैक्स भी है ये दोनों का माइनस करेंगे तो आपके रुपये की अमाउंट धीरे बढ़ती है 75-78 पैसा होता है तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो अंदर से जो एक जीवन की तरह खाते रहते हैं आपके कैपिटल को फाइनेंस को ये तमाम चीजों में नजर रखेंगे ट्रेनिंग हासिल करेंगे और बच्चों को खुश करेंगे हार्डवर्क कराएंगे उनसे लोग हमारे नौजवान बच्चे कॉलेज से जो निकलते हैं हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं हार्डवर्क नहीं करना चाहते वर्ल्ड का स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो अगर आप आज मेरे को 10 लाख कमा रहे हैं तो मेरा कहना है कि आप 20-30 लाख भी कमा सकते हैं बच्चियां माशाल्लाह से बैठ के 10-10 लाख रुपए ऑनलाइन कमा लेंगे 20 लाख कमा लेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के बगैर कोई एम्प्लॉय करने के दसों मिसाल दे सकता हूँ क्योंकि इंडिया में जो डीजीएफटी है उसके साथ हम लोग अटैच है मशीन से बड़ा काम है गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम के साथ हम अटैच है तो अलहमदुल्ला हम भी कई मैटर्स में उनको एडवाइस देते हैं और हमारी एडवाइस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड बिजनेस की स्टाइल को यहाँ ला के हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं तो कौन सा आइटम किस कंट्री और किस रीजन से आपको सस्ता मिल सकता है इम्पोर्ट करने के लिए और किस पे डिपेंड करना और नहीं करना है तमाम चीजें अलहमदुल्ला इसको हमने रिश्ता जो है 10 साल के अंदर यही चीजें सीखी मार्केट से तो आपकी खिला प्रीमियम है कि तंजानिया से लेकर इंडोनेशिया अलहमदुल्ला आप 30 से लेकर प्रियंकर बोलिए हमारे पास एक्सपीरियंस लोग भी है कंपनीज भी है कॉन्टैक्ट भी है नेटवर्क तो ये तमाम चीजें हम खिदमत करते रहे और मैटर तो इतना बड़ा है कि 3 घंटे 4 घंटे का सेशन शुरू भी चाहिए था लेकिन चूंकि प्रशासन जो है बीमार मुबारक होने की वजह से लोग नमाजों से आने तक के कुछ लेट हो गया लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ वक्त सवाल के लिए रखें क्वेश्चन आंसर हो गए उसके बाद एंड करके फिर इंशाल्लाह कभी आप मौका पर खिदमत कर दीजिए तो आधी रात को आपकी खिदमत में हाजिर है अभी एक साथी कभी बता रहे थे कि कोई रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है हर चीज की जा सकती जंगल के अंदर भी काम किया जा सकता है कोई मसला नहीं वो भी बिजनेस हमने ओडिशा के जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ट्राइबल्स के लोग आए थे तो हमने पूरा शहर बना के दिया उनको के उनके जंगल से क्या क्या चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो इसके ऊपर क्या आपको प्रॉफिट आ सकती है तो दुनिया को ऐसी ही दी अल्लाह ताला ने आप तो अपना दिमाग है आपकी अपनी पोता निकाली है आपका जो फुल साइटेड नहीं होने की वजह से आपका विजन नहीं होने की वजह से और दुनिया को आप 5 यू से बदल दीजिए 5 यू से आप देखिए तो दुनिया को छोड़ दीजिए आप एक ओपन माइंड से देखिए दुनिया को भाई आपके पास जितने कम्युनिटी है सिंधी है गुजराती है मारवाड़ी है जो जो लोग हैं वो क्या आपके साथ कोई खास मामला बोलते उन लोगों की मेहनत उनकी स्टाइल उनका काम करने का जज्बा उनका शौक अपनी कम्युनिटी को गरीब गुरबत के सही कौन में नहीं देते उससे पहले ऐसी प्लानिंग करते हैं लोग गरीब नाम को क्या होते हैं तो वो अगर जज्बा हमारे बच्चों में हमारे बड़ों में हमारे मछली वालों में हमारे मदरसे वालों में हमारे औरतों में हमारे बच्चियों में यंग जनरेशन के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है मैंने अपनी बुक में यही लिखा मैं 2005 में
इस्लाम में होगा उसके इलाज के लिए एक बात चली, तो उसमें मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि हाथ को हाथ को काम करना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो। वो अगर पैसे वाले तो घर से काम करे, नहीं पैसे वाले तो वैसे भी पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 36% हमारा जो है फीमेल जो है वो जाके फील्ड से काम करता है, खेतों में काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अक्सर बार हमारे जो हमरान है जोधपुर अफ्रीका वाले तो एतराज करने के साथ असल तो मर्द हजार आपको कमाना है सौगा निशा जो मर्द है और तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बात करेंगे तो उनको आपके पास की बेटी को बहू को बीवी को क्या मालक नहीं होना चाहिए पसंद सवाल ये और उसको ऑर्गेनाइज करके उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और नए नए तजुर्बे करने से बैठे तो 60 रिपोर्ट होती है। बिजनेस का जो तरीका होता है बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत है, कोई भी बिजनेस उठा करना शुरू कर दिया तो बिजनेस नहीं होता। आपका गलत जो है चॉइस ऑफ जो प्रोडक्ट आप गलत करके जो विचार के वो इसके अंदर 20% है मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगा तो उसमें 20% नहीं है, उसमें 2% प्रॉफिट के लिए आपकी जिंदगी में धोखा भरा हुआ है। लोगों के पैसे इसलिए आप स्टडी बोली है जो स्कोप्स है अपॉर्चुनिटीज है वीकनेस है थ्रेट है बिजनेस में ये सब की स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट को चूज कीजिए, प्रोडक्ट जो सेगमेंट आता है वो सेगमेंट चूज करके उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम अपनी सलाई लगाइए, आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छी प्रॉफिट आएगी। लेकिन अगर आप अहमखाना काम करेंगे तो अहमखाना काम को बिजनेस कभी सपोर्ट नहीं। अब आप किसी पे बोल सकते हैं भाई इसमें वो नहीं किया उसमें वो नहीं किया, लेकिन हमारे 70% एक ही ब्लॉक चेन से सारी दुनिया के 2000 फैक्ट्रियां एक नाम बोलूंगा आपको तो बोलोगे 2000 फैक्ट्रियां एक ही ब्लॉक चेन से चला रही दुनिया है। और इससे पहले मैंने आपकी गुप्तों में जिक्र भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक माइन है और वो माइन के अंदर जो है तकरीबन उसके 8000 गाड़ियां चलती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइनर है। पूरी 8000 गाड़ियों में एक भी ड्राइवर नहीं है, वहां से लोड करके आता है 3000 किलोमीटर जाके जो है वो शिपिंग करके वहां धोनी ने पूरा डाउनलोड करके फिर वापस जाते हैं। नो ड्राइवर नो पर्सन आर लोडिंग नो पर्सन आर अनलोडिंग। तो ये जो विश्व दुनिया जो हाईटेक की तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, उसको इमीडिएट अडॉप्ट करना जरूरी है वरना दुनिया आगे निकल जाएगी और बहुत पीछे रह जाएंगे। कैचअप कैचअप करने तक जो हमारे जो है और यह तक की तरफ नीचे जाना पड़ेगा। तो ये सर बिल्कुल अलग अलग पॉइंट से मैंने जो है एफर्ट आपके सामने रखी है क्योंकि टाइम कम है और हमारे साथियों को सामयिक को हमारे बच्चों को सबको टाइम देना है कि व्हाट दे वांट टू नो एंड व्हाट दे वांट टू आस्क एंड हाउ बेस्ट आई कैन रिप्लाई टू दैट। ये बातें थी जो डॉक्टर ऑफ फैक्ट्स हमारा।